आदरणीय सुरेंद्र कुलकर्णी जी, मेरा थोड़ा स्वर का प्रॉब्लम है, थ्रोट का। शुभदा चौकर जी, श्रीनिवास शास्त्री जी, सेवियो सिल्वेरिया, राणे जी यहाँ पर उपस्थित, सभी बच्चे, सब एनजीओ के प्रतिनिधि, एक्चुअली आप सबकी बातें सुनकर मुझे लगा मैंने पहले क्यों नहीं आया। आई मिस अ लॉट, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन कल सीएम आ रहे मेरे एरिया में हमारे एजुकेशन के स्वच्छता अभियान के लिए, और सीएम बनने के बाद में बीएमसी के कोई पहला प्रोग्राम होगा तो उनका वो स्वच्छता अभियान है, यानी इतना इम्पोर्टेंस सीएम भी इसको देते हैं, आप ध्यान में रखिए। तो उस कार्यक्रम की तैयारी में था, सो आई कुड कम, आई केम लेट, बट नेवरलेस आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। आपने कहा इनको मैंने कुछ बताना चाहिए, तो मैंने कुछ सीखा भी बैठ के। और ये उम्र में अगर इस तरह की मैच्योरिटी बच्चों में आती है तो वो देश कभी भी पीछे नहीं जा सकता, वो देश आगे ही जाएगा। और अभी तो अच्छे दिन आ गए हैं, तो और अच्छे दिन आ जाएंगे। आप सबको मैं लकी बोलता हूँ, क्योंकि अच्छे दिन लाने वाला जो व्यक्ति है वो नरेंद्र मोदी। पहले बार देश का प्रधानमंत्री बच्चों के साथ डायरेक्टली आप उनसे उन्होंने बात की, तो हमारे टाइम तो शुभदा जी और हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। पीएम तो छोड़ो, हमारा मेयर भी कभी हमसे बात नहीं किया लेकिन आप लोगों के लिए देश के प्रधानमंत्री ने वक्त निकाला और आपसे डायरेक्ट डायलॉग करने का उन्होंने प्रयास किया। इसका मतलब यही है, ये चेंज सिनारियो में आपकी पास से अपेक्षा बड़ी है। ट्रेडिशनली बच्चों के पास जो देखने का अप्रोच रहता था इस देश में, वो अभी नहीं है। आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, आप बहुत अहम भूमिका इस देश के लिए आगे आने वाले दिनों में अदा करने वाले हो, ये देश के प्रधानमंत्री ने आपको इनडायरेक्टली समझाने का प्रयास किया है। मुझे याद है जब 5 सितंबर को आप सबने टीवी पे देखा ना, पीएम का भाषण देखा, मैंने कुलाबा के स्कूल में बच्चों के साथ में बैठकर जमीन में बैठ के देखा, मैंने वो स्पीच सुना है, बहुत इंस्पायरिंग स्पीच था। और ऐसा स्पीच सुनने के बाद में अगर हम सिर्फ सुनेंगे और भूल जाएंगे तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे लिए जो टाइम निकाला उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप लोग सोच रहे हो, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने गार्बेज फ्री या स्वच्छता अभियान इसके बारे में बात की, और शायद मेरे पहले सुभाष राणी जी ने भी आपसे बात की, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा वो। लेकिन एक बात शायद उनको नहीं मालूम है, क्योंकि ये पूरे प्रवास में मेरे साथ में वो थे। मैंने करीबन अभी यह कचरे के ऊपर मेरा पीएचडी हो गया है, यानी करीबन 2 साल तो इसके ऊपर इतना डिटेल स्टडी हो गया और इतनी सारी बातें मैंने की है। और अभी आगे का बात कर रहा हूँ, मैंने ड्राई एंड वेट वेस्ट मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर बनाने का प्रोजेक्ट, और ये सब अभी मेरा चल रहा है। मैं सच बताता हूँ, मला तेव्हा आनंद झाला, मी एवढं सगळं ड्राइव केलं, आणि मला बहुत बार ये सब ड्राइव करते होते कि फ्रस्ट्रेशन आता था, लोग सुनते नहीं है, लोग मानते नहीं है, और आप ये उनको सब बताने जाओ तो उनको लगता है ये क्या सिखाता है मेरे को, हम लोग इतना साल से वही कर रहे हैं, आप कौन बताओगे। चेंज के लिए ऑलवेज विरोध होता है ना, होता ही है, तो विरोध होता है, तो मुझे भी विरोध हुआ था, और कभी कभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत सारी डांट पड़ती थी, फिर वो मायूस होकर मेरे पास आते थे, मुझे लोग उल्टा सुलटा बोलते थे, यहाँ तक कि बीएमसी अधिकारी भी कभी कभी बोलते थे क्या करना है साहब, जाने दो ना, क्योंकि वो बेचारे वो भी पक जाते थे लोगों को समझा कर। मेरे साथ काम के नगर सेवक मुझे बोलते थे तेरे को कुछ क्या सूझता है, छोड़ देना इतना, इसके पहले भी इतने नगर सेवक चुन के आए, तू भी तो आया कचरे में चुन के, तो आगे भी आएगा। लेकिन तब एक दिन मुझे याद है, वो एक्सपीरियंस मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। मुझे किसी का फोन आया, हमारे यहाँ पर एक पेठे नगर एरिया है, वहाँ के सामने एक बहुत बड़ा कचरे का करीबन एक कचरे की पेटी थी, करीबन एक 4-5 पेटी थी, मस्ट बी अराउंड एरिया ऑफ 300 to 500 square feet एरिया कचरे से भरा हुआ रहता था, करीबन 25-30 सालों से था। और हमने बहुत प्रयास करके वो निकाला, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए की, रात रात भर खड़े रहे, सिस्टम बदला वगैरह वगैरह,
और एक दिन मुझे सुबह फ़ोन आया, एक छोटे बच्ची का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा, उसके बातों से मुझे शायद लगा होगा कोई 5-6 साल की रहेगी, अंकल अंकल, उसके बाजू में एक स्कूल था, चिल्ड्रन एकेडमी, बैठे नगर के बाजू में, अंकल अंकल आपका आपका थैंक यू, आपको थैंक यू, वो अपने स्टाइल में बोल रही थी, अभी शायद मैं उस स्टाइल में नहीं बोल पाऊँगा, आपका बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने बोला क्या हुआ बेटा? नहीं, हमारे वो हम स्कूल में जाते थे ना, तो रास्ते पे बहुत सारा कचरा रहता था, तो हमको गंदगी होती थी और कचरे में से जाना पड़ता था, अभी कितना अच्छा है क्योंकि मैंने वहाँ पर गमले लगाए, अभी ग्रीनरी पूरा किया है, तो पूरे गमले कचरा खाली करके बाद में वहाँ गमले लगाए थे और एक अच्छा सिस्टम मैंने डेवलप किया था, तो भी वहाँ से जाने के लिए बहुत अच्छा लगता है सर। अंकल मुझे अच्छा लगा, आपका धन्यवाद, आप बहुत अच्छे अंकल हो, ऐसे उसकी उसने अपनी भाषा में कहा। वो मैं ये पूरा जब ड्राइव कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अच्छा बोला, बुरा बोला, सो भी जो भी कहा, प्राइम चीफ मिनिस्टर तक मेरी रिटर्न कंप्लेंट गई, मेयर तक गई, पुलिस स्टेशन में गई, कमिश्नर तक गई, सब हो गया। लेकिन जब वो बच्चे ने मुझे कहा कि मुझे अच्छा लगा, वो मुझे मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड लगा था उस टाइम, क्योंकि एक छोटे बच्ची ने कुछ भी अपेक्षा नहीं रख के मुझे थैंक यू बोला था। और आज भी मुझे वो याद है, उसने मुझे बोला हुआ, मैंने बाद में उसको बुलाया, दूसरे दिन उससे बात की वगैरह वगैरह सब किया। मैं आपको ये कह क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो आदमी ड्राइव करता है, काम करता है इसके लिए, अगर उसके पीछे लोग रहते अप्रिशिएट करते हैं और जो मन के अच्छे है, मन के सच्चे है, वो अप्रिशिएट करते हैं, तो करने वाले का हौसला बढ़ता है। हौसला देने वाला सिर्फ बड़ा आदमी चाहिए ऐसा नहीं, अच्छे मन का अगर आदमी हौसला देता है तो अच्छा लगता है। आपके एरिया में भी जो भी नगर सेवक है, जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी कोई भी समाज के प्रतिनिधि है, वो अच्छा काम करे, आप लोग उसके साथ जुड़ जाओ, उनको अच्छा बोलो, उनका हौसला बढ़ेगा, उनको भी लगता है किसी ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए, और ये ड्राइव बढ़ते जाएगा, उसका आनंद अलग मिलेगा। आप भी साथ में जुड़ोगे तो हो जाएगा। मुझे ये सब कहते हुए मुझे ये कह रहा हूँ कि आपको आपकी पढ़ाई बाजू में रख के आपने नहीं करना है, पढ़ाई साथ में रख के करना है। आज महात्मा गांधी सेंटर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगाई, आपने उस दिन मुझे कहा राउंड टेबल ना, कि जब भी राउंड टेबल मैं सोचता हूँ, सुभदा को मालूम रहेगा, शायद हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद में एक साथ काम किया है, और हम विद्यार्थी परिषद में कहते थे स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर, चिल्ला चिल्ला के घोषणा देते थे हम, और हम लोग हमें उस टाइम एक और एक बताया जाता था, आताची मुलं ही उद्याची नागरिक आहेत, अभी के बच्चे कल के सिटीजन है, ऐसा हमने हम सोचते थे और हम ऐसे घोषणाएं देते थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हमने बहुत साल काम किया है, अभी बदल गया है दुनिया, अभी आज के बच्चे आज के ही नागरिक है, अभी ये कल के नागरिक नहीं है। इतनी मैच्योरिटी आप सब लोगों में आई है, और आपको तो चेंज एजेंट कह रहे, कैटालिस्ट कह रहे, चेंज एजेंट यानी क्या, लोगों में चेंज लाने वाला, बदलाव लाने वाला, लोगों को बदलने वाला। तो जो लोगों को बदलता है वो तो खुद पोटेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, और वो पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, तो ऐसे बच्चे आप लोग हो। और आप लोग तो, हाँ मैं कह रहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, तो मैंने जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये वर्ड इनसे सुना तो मुझे एकदम ध्यान में आया, राउंड टेबल हमारे टाइम पे हमें राउंड टेबल, मैंने पहले बार अगर वर्ड सुना होगा तो महात्मा गांधी का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि राउंड टेबल बाकी कभी हमने उस टाइम सुना ही नहीं था, और आज भी मैंने इन्होंने पहला बोला तो मुझे एकदम वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद आया। तो मैंने कहा यार, वो महात्मा गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्वतंत्रता के लिए की थी, ये राउंड टेबल क्यों कर रहे हैं? लेकिन उतना इम्पोर्टेंस भी आपको है, जब उससे अगर स्वतंत्रता मिली देश को, तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से हमें पूरे मुंबई को कचरे से स्वतंत्रता देनी है, कचरा यहाँ से निकालना है, और शायद यही मानसिकता उन्होंने यहाँ पर रखी है ऐसा मैं सोचता हूँ। सुरेंद्र जी, परवा आम्ही एका ठिकाणी गेलो होतो, विनोद तावडे आणि मी, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद की जयंती थी, शिक्षण दिन था, हम लोग, मैं और विनोद तावडे जी कुलाबा के स्कूल में गए थे। आज के बच्चे कितने मैच्योर्ड है उसका उदाहरण मैंने देखा उधर, और आज भी 2-3 सजेशन मैंने लिखे लिए। वहाँ विनोद जी ने डायरेक्टली ट्रेडिशनल भाषण करने की बजाय डायरेक्टली बच्चों में गए, वहाँ बैठे और थोड़ा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के बारे में बताया, मौलाना अब्दुल आज़ाद जी के बारे में, और बाद में उन्होंने बच्चों को पूछा, मैं अभी शिक्षा मंत्री बन गया हूँ और मैं महाराष्ट्र का शिक्षा मंत्री हूँ, अभी शिक्षा मंत्री बनने के बाद में पहले मैंने क्या करना चाहिए,
वो सवाल उन्होंने उनको डायरेक्टली पूछा। तो पहले तो बच्चे डरे, कुछ बोले नहीं, आप जैसे सब होशियार नहीं थे लगते उससे। लेकिन एक बच्ची ने जो कहा, इट्स वॉज एन आई ओपनर फॉर मी, उसने कहा सर ये जो एग्ज़ाम आजकल 8वीं तक एग्ज़ाम नहीं होती है तो ये अच्छी बात नहीं, आपने हर साल एग्ज़ाम लेनी चाहिए और हर साल जो फेल होता है वो फेल होना चाहिए, उसको आगे नहीं लेना चाहिए, या आप सबको पास करते हैं 8वीं तक, ये अच्छी बात नहीं है। अभी ये आरटी में क्या है, राइट टू एजुकेशन में, और इट्स अ नेशनल लॉ। तो विनोद जी ने कहा है इसमें तो हम बच्चों को थोड़ा प्रेशर कम लाने के लिए कर रहे हैं, फिर भी आपकी ये जो सजेशन है ये यहाँ में से कितने बच्चों को एग्री है, क्योंकि ये अगर उन्होंने ये भी कहा कि ये अगर सजेशन हम मानेंगे तो बहुत सारे आंदोलन हो जाएंगे, वो तो लड़की को कहा और बच्चों को कहा कि ये सब सारे आंदोलन हो जाएंगे, बाकी के बच्चे आंदोलन करेंगे कि आपने एग्ज़ाम क्यों रखी, हम तो वैसे ही पास हो रहे थे, तो आप इस आंदोलन को फेस कर सकते हैं क्या, उस बच्ची को पूछा, तो बोली मैं फेस करूँगी। फिर बाकी बच्चों को पूछा कौन इसके सजेशन से एग्री करता है, तो 80% बच्चों ने हाथ ऊपर किया, 80% बच्चों ने कहा कि नहीं ये सजेशन करनी चाहिए। यानी एक जगह हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को एग्ज़ाम नहीं हो तो बच्चे खुश होते हैं, पढ़ना नहीं पड़े तो खुश होते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अभी इतने मैच्योर्ड है कि वो एग्ज़ाम चाहते हैं, एग्ज़ाम चाहते हैं। और वैसे ही कुछ मैच्योर्ड सजेशन अभी ये बेटे ने दिया मुझे, वो वर्ड भी स्थल सापेक्ष मतलब लक्ष्य रखने वर्ड स्थल सापेक्ष बहुत बढ़िया वर्ड है, और इट्स ट्रू, आपकी बात वही सही है। ये फर्क क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति इंडिया में रहता है और फॉरेन में जाता है तो कचरा डालता है, खाली फॉरेन में नहीं इंडिया में भी उसका बिहेवियर अलग होता है, स्थल सापेक्ष होता ही है, ये मेंटालिटी है लोगों की। लेकिन वो स्थल सापेक्ष है, इसका फायदा भी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि अभी मैं बीच में कुछ साल पहले हंगेरी गया था, तो मेरी मुझे याद है इटली और हंगेरी, तो मैंने एक रास्ते से जा रहा था, मुझे मैंने देखा एक कुत्ता लेके एक औरत जा रही थी और कुत्ते ने कहा गंदगी की, मैंने देखा वो औरत ने देखा, उसके पहले ध्यान में नहीं आया, थोड़े आगे गई तो उसने देख लिया, वो कुत्ते को वहाँ पर रोकी, वो कुत्ता उसका ही था, उसने टिश्यू पेपर बैग से निकाला, वो सब साफ किया, जाके डस्टबिन में डाला, इतना ही नहीं वो रुकी नहीं, वहाँ गई बाजू में एक होटल रेस्टोरेंट था वहाँ से पानी लेके आई और वो टिश्यू पेपर डाल के साफ करके फिर बाद में डाल दिया। कितना ये यानी हम फॉरेन में ये जो देखते हैं इट्स ट्रू। लेकिन इंडियन आदमी भी कभी बहुत अच्छा काम करते हैं, कभी मैं बताता हूँ, वो अस्पताल में जाता है, वो मंदिर में जाता है, वो चर्च में जाता है, वो मस्जिद में जाता है, तब गंदगी नहीं करता है वही आदमी। फॉरेन में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो उस मंदिर के बाहर आएगा तो डालेगा कचरा, होता है ये। इसका मतलब ही यही है, इसका इसका मीनिंग हमने ये सोचना चाहिए, जो पहले से साफ सुथरा चीज होती है वहां लोग गंदगी नहीं करते। द बेसिक प्रिंसिपल लाइंग बिहाइंड इज, जो पहले से साफ है वहां लोग गंदगी नहीं करना चाहते। तो हमें क्या करना चाहिए, हम चीजों को इतना साफ रखें कि गंदगी करने वालों ने भी 10 बार सोचना पड़ेगा मैं यहां डालू या नहीं। एग्री? हाँ। तो बाहर की चीजों में चेंज नहीं, हम हमारे एरिया में भी इतनी साफ सुथरापन लाएंगे 10 बार आदमी सोचेगा। और बाकी आपने जो कहा थैंक यू वगैरह बोलना दूसरा बात है, आपके एक सजेशन थी यहाँ पर डस्टबिन ऑन रोड्स, आपने कहा ना किसी ने, तो आपको मैं बताना चाहूँगा मुंबई महानगर पालिका ने ऑलरेडी लास्ट 3-4 महीने में काम चालू किया है, मुंबई के सभी सड़कों पर डस्टबिन लगाए जा रहे ड्राई और वेट वेस्ट के, आपने देखा भी होगा, बहुत अच्छे डिज़ाइन किए, कैची डिज़ाइन किए, आप सब ने उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों को उसका इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। विदाउट मोटिवेशन दुर्देव से इस देश में कुछ होता नहीं है, खुद भी सिस्टम शुड रन, बट हियर द सिस्टम इज नॉट वर्किंग ऑन इट्स ओन, दैट इज अ प्रॉब्लम। बट वो डस्टबिन का आपकी जो बातें हैं हमने ली है, उसके अलावा हर कॉरपोरेटर्स को अलग अलग डस्टबिन देने का प्रावधान भी है, वो भी फास्ट मूवमेंट पे हो रहा है। जब से मोदी जी ने स्वच्छता अभियान पूरे देश में लॉन्च किया है, एक अच्छा वातावरण देश में बढ़ते जा रहा है, अभी सोसाइटीज़ में जा रहा है, गलियों में जा रहा है और अस्पतालों में जा रहा है, बहुत सारी बातें हो रही है। एक कुछ सजेशन और थी ड्राई और वेट वेस्ट की, आपने करना चाहिए।
इस सजेशन पे भी काम चल रहा है बेटा, लेकिन थोड़ा मैं ऐसा सोचता हूँ, पहला हम लोग ये थोड़ा कैसे होगा मालूम है, दसवीं के बच्चों को ग्रेजुएशन की बात सिखाने वाली बात होगी, थोड़ा हम लोग पहले अभी अपना थोड़ा साफ सुथरा करें अभी से, अगर हाँ सोसाइटी उसमें ड्राइवर वेटवेस्ट कर सकते, झोपड़पत्ती में अभी से अगर ड्राइवर वेटवेस्ट का बात करने जाएंगे ना तो ये कचरा बाहर डालने का भी भूल जाएंगे, वो घर में रखने का भूल जाएंगे, वो बाहर ही डालेंगे। तो अगर स्लम्स में हम जाके करते तो ड्राइवर वेटवेस्ट थोड़ा लंबा रखेंगे, अभी पहला थोड़ा एक लेवल पे आते बाद में उनको ये बात समझाते, लेकिन सोसाइटी उसमें हम कर सकते हैं, वहाँ पॉसिबल है क्योंकि वहाँ जगह होती है, लोग पढ़े लिखे होते। टोल फ्री नंबर अथॉरिटीज़ इसकी बातें तो ठीक है, आपने कहा है, मैं राइट अथॉरिटीज़ को ये बात बताऊँगा बीएमसी में, वो डायरेक्टली मेरे अंडर आता नहीं है, बट आई विल सी दैट कि ये हो जाए। लेकिन एक चीज़ हम लोग करने वाले, मैं हमारे नगर सेवक को सभी बताने वाला हूँ, जहाँ जहाँ हम ये गार्बेज का प्लान करेंगे, ज़ीरो गार्बेज का, वहाँ पर वहाँ के अथॉरिटीज़ के फ्लेक्स के ऊपर नंबर लिख सकते हैं, जैसा मैंने किया था, मैंने उसके पत्रक भी बांटे थे, वहाँ पर जो हमारे कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं उनके नंबर हम लिख सकते हैं, नगर सेवक के नंबर लिख सकते हैं, वार्ड ऑफिसर के नंबर लिख सकते हैं, तो इंडिविजुअल एरिया में वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो लिखा है तो आपको इमीजिएटली इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, दैट वे वी कैन डू, एंड बाय सिस्टम ऑल्सो वॉट एवर कैन बी डन वो मैं डेफिनेटली उसमें देखूंगा। मित्रों मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, लेकिन एक ही बात कहूंगा, एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा और मेरे वाणी को विराम दूंगा, और उसके पहले एक वाक्य मुझे ध्यान में आता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वच्छता ये कोई किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन लोगों को एक साथ लाने के लिए, जैसे स्वतंत्रता के पहले लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव और शिव जयंती चालू की थी, उसका मकसद ही एक था, अंग्रेजों के विरोध में लोगों को इकट्ठा करने का एक जरिया था वो, और उनको किया था। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने ड्राइव किया है 2 साल, और उससे मेरी पॉपुलैरिटी और मेरा बेस नेटवर्क इतना बड़ा है, क्योंकि मैंने तो वो भी सोच के किया था ये कि मैं नीचे तक जाऊँ, तो लोगों को इकट्ठा लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है स्वच्छता अभियान, और इसको कोई अपोज भी नहीं कर सकता। तो लोगों को संगठित करना और समाज के प्रति प्रेरित करना एक बहुत बड़ा काम इससे हो सकता है, और ये हमने करना चाहिए। इंग्लिश में एक अच्छा वाक्य है, वी आर नॉट ओनली अकाउंटेबल फॉर व्हाट वी हैव डन, बट वी आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर व्हाट नॉट वी हैव डन। हमारी क्षमता होने के बाद भी जो चीज़ हम करते नहीं हैं उसके लिए भी हम अकाउंटेबल है, सिर्फ हम करते हैं उसके लिए नहीं। तो हम सबकी भी क्षमता, आपकी भी अपने हिसाब से अपने अपने लेवल पर क्षमता है, तो उसके लिए आप भी अकाउंटेबल है, और यहाँ पे बैठे वाले भी अकाउंटेबल है। हम सब मिलकर इस मुंबई को और बढ़िया बनाएंगे। आपके और भी कुछ सजेशन मेरे पहले आने के बाद आए होंगे तो आप मुझे डिटेल में दीजिए, कुछ उसमें से अच्छे सजेशन मैं आने वाले दिनों में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास करूँगा। और अभी तो बांद्रा का प्रोजेक्ट हमने लिया है और मुंबई का, आप सबको और एक बात बता देता हूँ, 14 आपको अपने अपने स्कूलों में बताया गया होगा, 14 नवंबर से 19 नवंबर तक मुंबई के सभी स्कूलों में ये स्वच्छता अभियान होने वाला है। कल इसका लॉन्चिंग है और उसके लिए हमारे सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर आ रहे हैं, जो दीक्षित नगर म्यूनिसिपल स्कूल पार्ला की वहाँ इसका इनॉग्रेशन है, और उसके बाद में ये सब चलेगा। उसमें 10 कमांडमेंट्स वगैरह बनाई है, आपने हमको मदद की है। अंत में बच्चों एक छोटी सी कहानी, एक घर था, बहुत सालों की पहले की कहानी है, घर में मेहमान आए थे, और हमारे घर में जैसे मेहमान आने के बाद हमारी माँ उनके सामने में पूछती है, बच्चा बड़ा होने के बाद तू क्या बनेगा, पूछती है ना, पूछती है कि नहीं आपकी माँ, नक्की है? हाँ, तो वैसा भी वो, ये तो मैं कुछ सालों 200 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उस वक्त भी वो माँ को भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि माँ तो माँ है, अभी की माँ और उस टाइम की माँ वो एक ही रहेगी। तो उसने भी सबके सामने अपने बच्चे को पूछा, मेहमानों के सामने, बड़ा होने के बाद बेटा क्या बनेगा। उसके पहले बाकी सभी बच्चों को पूछा, तो एक कोई बोला डॉक्टर, कोई बोला इंजीनियर, उस टाइम के बच्चे भी ऐसे बोलते थे, एडवोकेट, ऐसे सब बात कर रहे थे। बाद में जिस घर में मेहमान आए थे उस घर के बच्चों को उसके माँ ने पूछा, बेटा बड़ा होने के बाद क्या बनेगा, उस बेटे ने कहा बग्गी वाला। बग्गी वाला यानी मालूम है घोड़ा गाड़ी, अपने नरीमन पॉइंट पे देखा होगे घोड़ा गाड़ी। तो माँ ने बोला ठीक है, अभी वो माँ अलग माँ थी, उसने बोला बेटा एक काम कर, तुझे बग्गी वाला बनना है, बोला ठीक है, बाहर जा हाथ पाँव धो के अंदर के रूम में आ जा। बच्चा बाहर जाता है, हाथ पाँव धो के अंदर के रूम में आता है,
माँ बोलती है अभी हाथ जोड़कर खड़ा हो जा, और अगर और ये सामने जो तस्वीर लिखी है उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो, और ज़िंदगी में अगर बग्गी वाला बनना है तो ये बग्गी वाला बनना, और वहाँ पर जो तस्वीर होती है उस तस्वीर में एक फ़ोटो रहता है। आपने महाभारत में देखा होगा घोड़ों के साथ अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान थे, और श्री कृष्ण भगवान घोड़े को चला रहे थे। तो माँ ने कहा अगर ज़िंदगी में कभी बग्गी वाला बनना है तो ये बग्गी वाले जैसा बनना। उस माँ ने एक बहुत बड़ा आदर्श उस बच्चे के सामने रखा, और उस बच्चे ने उस आदर्श को अमल में लाया। वो बच्चा बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद बना। उस बच्चे का नाम था नरेंद्रनाथ। एक बहुत बड़ा आदर्श उसके माँ ने उसके सामने रखा, और आदर्श भी इतना ऊंचा कि ये आदर्श ही है हमें फॉलो, ये आदर्श जो चीज़ है ना यही हमको बताते कि हम जब हमें लगता है कि हम कर रहे हैं वो सही है गलत है, तो उस वक्त हमने एक ही सवाल पूछना है हमारे आदर्श ने उस टाइम क्या किया होता, हमें हमारा रास्ता मिल जाता है। और आदर्श इतना ही बड़ा होना चाहिए कि उसको देख के हम फॉलो कर पाए। वो माँ भी उतनी महान थी, उसके लिए उसने इतना महान आदर्श उस बच्चे के सामने कहा, इसके लिए नरेंद्रनाथ से स्वामी विवेकानंद बने। हम सब भी एक ऊँचा आदर्श रखे, जो महात्मा गांधी है जिन्होंने स्वच्छ भारत प्रेरणापूर्ण वहाँ से मिली है जो उन्होंने सैकड़ों साल पहले किया था, उनको रियल में आदर्श मानकर, और महात्मा गांधी जी को क्या अच्छा लगता था ये सोचकर स्वच्छता के बारे में, आने वाले साल में हम हमारा पूरा काम करें, तो सच में जो मोदी जी ने सपना देखा है, जो सुरेंद्र जी ने सपना देखा है स्वच्छ भारत का, ये सपना सही मायने में पूरा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। I'd like to invite Shri Srinivas Shastri ji to also speak, say a few words. बालमित्रांनो, ते मोठी माणसंही आहेत पण आज ही राऊंड टेबल कॉन्फरन्स तुमच्यासाठी आहे म्हणून तुमच्याबरोबर मुख्य डायलॉग, ठीक आहे? मी तुम्हाला एक साधा प्रश्न विचारतो, स्वच्छता स्वच्छता आपण 3 तास बोललात सगळं ठीक आहे, पण ती असते कुठं हो मुळात सांगा बरं मला, विचार करून सांगा, स्वच्छता कुठं असते विचार करा, सांगा, काही प्रॉब्लेम नाही। बरं, ठीक आहे, अजून कुणाला सुचत नाही आहे स्वच्छ, हा बोला बोला, व्हेरी गुड, नाही अत्यंत योग्य उत्तर दिलं, स्वच्छता ही कुठं असावी लागते मुळात, हे सगळे नंतरचे उपाय आहेत। आधी जर ती तुमच्या मनात असेल, म्हणजे प्रत्येकाच्या मनात असेल तर ती ऑटोमॅटिक सेकंडमध्ये रिफ्लेक्ट होईल की नाही, म्हणून आधी स्वच्छता आपल्या मनात ठेवा, मग ती जनामध्ये पसरेल, जनामध्ये म्हणजे लोकांमध्ये पसरेल। आता असा प्रश्न निर्माण होतो की हे कॅम्पेन सुरू झालं म्हणूनच स्वच्छता राबवायची का, त्यापूर्वी स्वच्छता नव्हती का, स्वच्छतेची गरज नव्हती का? जशी आपल्याला अन्न वस्त्र निवाराची गरज आहे तशीच आपल्याला स्वच्छतेची गरज आहे, पण सर म्हणाले तसं एखादी मोहीम हाती घेतल्याशिवाय आपण लोक कुठल्याही कामात झोकून देत नाही हे आपलं वास्तव आहे, म्हणून आपण ही मोहीम राबवली, ठीक आहे, ही मोहीम संपल्यावर पुढे काय, तुम्हाला काय वाटतं काय होईल, परत पहिल्यासारखं असं वाटतं हो की नाही, प्रॅक्टिक घाबरू नका, सांगा काय वाटतं ते, जर हो असेल तुमचं म्हणणं तर मग या स्वच्छता मोहिमेला काही अर्थ नाही असं माझं म्हणणं, आणि जर नाही असं असेल तर ती तुमच्या मनात आहे असा त्याचा दुसरा अर्थ होतो, तसा आहे का तुमच्या मनात, असायला हवं। मग इथं दुसरा प्रश्न असा निर्माण होतो की आपल्याला जर याचं एवढं महत्त्व माहिती आहे, ह्याच्यात मोठी माणसं पण आली, तर मग ही स्वच्छता निर्माण अस्वच्छता निर्माण का होते, हा विचार करा, उपाय हा नंतरचा विषय, कारण मुळात जिथं थोडीशी घाण असेल माणसाला काय वाटतं तिथंच मी माझा कचरा टाकावा, हे आपलं प्रत्येकाचं ऑब्झर्वेशन आहे, बरोबर आहे का चुकीचं आहे? मग तो टाकणाऱ्याला माहीत नसतं का की मी करतोय ते चुकीचं करतोय, पण मला काय फरक पडतोय, तिथं ऑलरेडी काहीतरी कचरा आहे म्हणून मी तो कचरा जिथं टाकतोय हे त्याचं स्वतःचं समर्थन करतो। कचरा निर्माण कोण करतो, शासन करतं, ती मुळात गोष्ट कोणाची, वापर केल्यामुळं कचरा निर्माण होतो,
मग त्याची विल्हेवाट लावायची जबाबदारी कुणाची? बेसिक हे सगळे जे आहेत ते नंतर मदत करणारी लोक आहेत, गव्हर्नमेंट वगैरे वगैरे सगळे. म्हणजे पुन्हा मुद्दा तिथंच येतो की ही जबाबदारी बेसिकली आपली आहे. मग मोठी माणसं, मोठी माणसांकडनं कचरा निर्माण होतो जास्त, कारण ते जास्त वापर करतात, जास्त कचरा ते कचरापेटीत वगैरे टाकतात, बाहेर टाकतात, कुठेही टाकतात. मग ह्या माणसांना तुम्ही विचार करा, ही मोठी माणसं कोण? आम्ही पालक. प्रत्येकाला मूल आहे, ॲव्हरेज प्रत्येकाच्या घरात मूल आहेत. पण ह्या मोठ्या माणसाला जर मी सांगितलं की बाबा रे कचरा करू नकोस, तो माझं ऐकेल का? तुम्हाला काय वाटतं? ओके, जास्त शहाणपणा शिकवू नका असं तो सांगणार. पण हेच त्याच्या घरातल्या मुलांनी जर त्याला सांगितलं की आई बाबा कचरा करू नका, तर तो ऐकेल की नाही? तुम्हाला काय वाटतं? तुमचे पालक तुमचं ऐकतील की नाही? म्हणजेच ही जी मशाल आहे स्वच्छतेची, ह्याचे खरे पाईक कोण आहेत? अगदी मनापासून सांगा, जे ज्यांच्याशिवाय होऊ शकत नाही अशी व्यक्ती कोण आहेत? तुम्हीच आहात. म्हणून ही सगळी जबाबदारी जी आहे ती तुमची आहे. आणि मग नंतर गव्हर्नमेंट मशिनरी वगैरे ते चालूच राहणाऱ्या गोष्टी आहेत. पण जर तुम्ही इनिशिएटिव्ह घेतलात, तुम्ही स्वच्छता ही जर तुमची लाईफस्टाईल बनवलीत, जसं तुम्हाला ठराविक वेळेने भूक लागते, ठराविक वेळेने पाणी प्यावं वाटतं, तसंच स्वच्छता हा सुद्धा माझ्या रोजच्या जीवनाचा भाग आहे हे जर तुम्ही कुठेतरी स्वतःला क्लिक केलं आणि जर ती तुमच्या घराघरापासून सुरुवात करा, ऑटोमॅटिक तो संपूर्ण परिसर, समाज, देश वगैरे सगळे ऑटोमॅटिक सगळे सुधारतील. म्हणून ह्याचे जे टॉर्च बेरर्स किंवा ह्यांच्या स्वच्छतेच्या ज्या मशाली घेऊन जायच्या आहेत, त्या ह्या तुम्हा मुलांना घेऊन जायच्या आहेत. शासनाची मोहीम वर्ष, दीड वर्ष, दोन वर्ष चालेल, पण हे कायमस्वरूपी ही आपली एक मानसिकता व्हायला हवी. म्हणून तुम्ही मुलांची जास्त जबाबदारी, तुम्ही आमच्यावर प्रेशर टाकलं पाहिजे. जर चार मुलं मिळून साहेबांकडे गेली आणि इथं कचरा होतोय, इथला उचलला जात नाही सांगितलं, तर ते 100% तुम्हाला मदत करतील. पण सुरुवात तुम्ही केली पाहिजे, ते सगळं बघू शकत नाहीत. मुंबईसारख्या ठिकाणी किती कचरा निर्माण होत असेल त्याचे आकडे साहेबांकडे आहेत. त्यातला वेट ड्राय करण्यातच त्यांची किती एनर्जी खर्च होत असेल. ती आपल्या लेवलला, आपल्या घरातनंच जर ते सुटसुटीत केलं तर त्यांचं काम सोपं होणार नाही आहे का? आणि म्हणून कसा असला पाहिजे काय हे सगळं तुम्हालाही माहिती आहे. वेट म्हणजे काय, ड्राय म्हणजे काय, आपण घरी ते पाळतो का? प्रामाणिकपणे मला सांगा, अगदी प्रामाणिकपणे, भीडभाड न बाळगता. 99% आपण पाळत नाही. ह्यांनी शिस्तीचा बडगा उगारला, दंड केला की आपण थोडे दिवस पाळतो, बरोबर आहे? मग ही वेळ काय यावी त्यांच्यावर? म्हणजेच पुन्हा पुन्हा मी तिथंच येतोय की हे आपण जर पाळलं, लहान मुलांनी जर ही जबाबदारी जास्त घेतली, आजपासून जाताना तुम्ही फक्त एक डोक्यात ठेवा, माझा घर, माझं परिसर स्वच्छ करायची जबाबदारी माझी आहे, दुसऱ्या कोणाचीही नाही, ऑटोमॅटिक सगळी परिस्थिती सुधारेल. आणि म्हणून तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे. आता मी राज्य शासनातर्फे आलोय, मी शालेय शिक्षण विभागामध्ये काम करतो, म्हणजे काही अंशी तुमचं जे पालकत्व आहे ते आमच्या विभागाकडे. तुमचे धोरणं ठरवणं, तुमच्या युनिफॉर्मपासून सगळ्या गोष्टी ठरवणं हे काही अंशी आम्ही ठरवतो. म्हणून जर तुम्ही आमच्यावर प्रेशर टाकलं ॲज अ स्टुडंट म्हणून तुमच्या शाळांमार्फत की अमुक अमुक ठिकाणी स्वच्छता होत नाही आहे, आम्ही ह्यांना अप्रोच होऊ. आमची मुलं सांगतायत बाबा अशी अशी तक्रार आहे, आम्ही सांगू त्यांना. म्हणून तुम्ही ही मोहिमेपुरती ठेवू नका. की तुमच्या किंवा प्रत्येकानेच आपण हा आपल्या एक आयुष्याचा पार्ट समजला पाहिजे. आणि त्या दृष्टीने जर आपण या गोष्टीकडे बघितलं तर ही मोहीम जरी संपली तरी आपल्या मनातली जी स्वच्छता आहे ती नक्की कायम राहील आणि त्यामुळं आपल्याला कायमस्वरूपी फायदा होईल. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू.